उस वक्त में मैं 118 किलो का था जी, मेरी पूरी कोई भी पुरानी वीडियो देखो आपको लगे पता चलेगा। लेकिन उसके बाद मेरा आयुर्वेद में बहुत भरोसा रहा है, मैंने आयुर्वेद खुद स्टडी किया, सब कुछ किया और करके अब मैं लोगों को इनके उपायों के अलावा मैं आयुर्वेद के उनको उपाय भी देता हूँ। हमारे यहाँ कुछ चीज़ों को अमृत माना गया है और अगर ये अमृतमयी चीज़ें कोई भी इंसान लेता रहे, जो मैंने अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने जानकारों के ऊपर अप्लाई करी जिनको डायबिटीज़ भी थी और भी कई बीमारियाँ थी, तो मैंने अप्लाई किया उन सबको, मतलब कि आप सोच नहीं सकते कितने ज़बरदस्त लाभ हुए। उसके अंदर एक फार्मूला है जो आयुर्वेद से ही निकाला गया कि 100 ग्राम काली हल्दी, 100 ग्राम मेथी दाना, 50 ग्राम दालचीनी और 30 ग्राम कलौंजी के पीस, ये मोटे मोटे पीस के, सबसे पहले खाली पेट आपको वो लेना है, एक चम्मच सुबह खाली पेट, समझे। और फिर दूध का एक गर्म कप, गाय का दूध हो बढ़िया, नहीं तो भैंस का ही ले लीजिए, और चने के दाने जितनी प्योर शिलाजीत अगर आपको कहीं से मिले, जो एक सर्टिफाइड जो फार्मेसी हैं अच्छी पुरानी उनके पास से लेंगे तो उत्तम रहेगा, ये जो ऐड वगैरह आती है ये से ना लाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप चने के दाने जितनी उसके अंदर घोल के ये लेनी शुरू करें, आप पहले 2 से 3 महीने के अंदर वेट रिड्यूस करेंगे, बुद्धि अच्छी होगी, आप एक्टिव बहुत हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि उम्र का कोई फर्क आ रहा है। आज मेरी उम्र होंगे ये 55-57 साल की हो चली, आज की डेट में मैं 18 घंटे दिन में काम करता हूँ, ठीक है, ये इन्हीं आयुर्वेदिक फार्मूलों का ही काम है। तो मैं साइंस को मानने वाला हूँ, मैंने तुम्हें बताया कि मैं ज्योतिषी हूँ, मैं एक आयुर्वेद आचार्य भी बन रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और ये करके मैंने इस तरह के फार्मूले भी निकाले हैं कि आज की डेट में बहुत सारी दुनिया ऐसी आती है जिनके ग्रह बोलते हैं कि इनके स्पर्म्स काउंट कम है, उसके लिए दवाई देनी पड़ती, बहुत सारी लड़कियां ऐसी आती है जिनके अंडे ही नहीं ढंग से बन रहे, उनके इलाज करने पड़ते हैं और ग्रहों में भी होता है, उनको ग्रहों का इलाज भी करवाता हूँ और उनको ये आयुर्वेदिक फार्मूला भी बताता हूँ, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन देखा है, हजारों हजार बच्चे सुखी हुए हैं, हजारों हजार। इसीलिए मैं अब कोशिश कर रहा हूँ, अभी ये शुरुआत है, कि हॉस्पिटलों के अंदर ये बीमारी वाली कैटेगरी जितनी है मैं वो फ्री करने जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया, ताकि हॉस्पिटलों में ये मशीनें लगे, डॉक्टर भी ये जान पाए कि इसके कौन से हिस्से में दिक्कत है, नहीं तो ग्रहों का तो ऐसा खेल है बेटा कि डॉक्टर भी सारे टेस्ट करके हार जाते हैं और उनको पता नहीं चलता कि इसके कौन से हिस्से में दिक्कत है। और इस तरह से एक बार नहीं बहुतों बार मरीजों को ये जवाब मिलता है कि हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन हम दवाई दे रहे हैं लेकिन वो लग नहीं रहे। लेकिन मेरे पास हजारों हजार एग्जाम्पल ये है कि जब उन्होंने उपाय किए, वही डॉक्टर जो वो दवाई दे रहा था वो नहीं लग रही थी, वही डॉक्टर जब वो दवाई देता है तो वो लगने लग गई। इसलिए हॉस्पिटलों के अंदर इस मशीन का होना बहुत ज़रूरी है।